ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साव का कांग्रेस को लेकर एक बयान सामने आया है। बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस पार्टी की बातें और दावों को देश की जनता बार बार परख चुकी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठा वादा करती है, झूठ का पुलिंदा लेकर आती है और सरकार में आने के बाद जनता को भूल जाते हैं। इसके आगे डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने देखा है बड़े बड़े वादे लेकर या भारी बहुमत से सरकार में आए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। भाजपा के संकल्प पत्र जारी होने पर उन्होंने कहा कि आज देश भर में भाजपा सरकार की योजना का लाभ जिन तक पहुंचा है उनके अनुभव भी पार्टी ने देश के सामने रखे हैं। किस प्रकार उनके जीवन में परिवर्तन आया है। इसी क्रम में बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करने पर साहब ने कहा, कल दुर्ग और रायपुर में हमारे प्रत्याशियों का नामांकन भरा जाना है। निश्चित रूप से नामांकन की तैयारी में हमारे कार्यकर्ता जोर जोर से लगे हुए हैं। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के वादे और दावों को देश की जनता बार बार परख चुकी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठा वादा करती है, झूठ का पुलिंदा लेकर आती है और सरकार में आने के बाद ये जनता को भूल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने देखा है बड़े बड़े वादे लेकर भारी बहुमत से सरकार में आए और लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के झूठे वादों को अच्छे से जानती है। कांग्रेस के झूठे वादों पर देश की जनता नहीं आने वाली। कल दुर्ग और रायपुर में हमारे प्रत्याशियों का नामांकन भरा जाना है। निश्चित रूप से नामांकन की तैयारी में हमारे कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग हमारे प्रत्याशियों के साथ एकत्रित आएंगे और हमारे प्रत्याशी दुर्ग से विजय बघेल जी और रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल जी का नामांकन कल भरेंगे।